छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा के मालखरोदा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले समस्त पंचायत सचिवगण एवं रोजगार सहायक सचिव प्रदेश सचिव संघ के आह्वान पर काम बंद और कलम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि सचिवों की मुख्य मांगे शासकीयकरण करना है और सचिवों की मांगों के समर्थन के लिए छत्तीसगढ़ के 65 विधायकों ने अपना समर्थन पत्र प्रस्तुत किया है, मगर अभी तक सचिवों की मांगे पूरी नहीं हो पाई है। इससे नाराज सचिवों व रोजगार सहायक सचिवों ने मालखरोदा के जनपद मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। हड़ताल की इसी कड़ी में आज दोनों संघों के जिला अध्यक्ष मालखरोदा में हड़ताल कर रहे सचिवों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर जिला सचिव संघ के अध्यक्ष ठाकुर भूपेंद्र सिंह गहलोत और रोजगार सहायक संघ के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ पटेल, साथ ही बिलासपुर संभाग के अध्यक्ष सीताराम कर्ष भी उपस्थित रहे। यहां हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव संघ सचिवों के नियमितीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस मामले में सरकार की तरफ से किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है, जिस कारण छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। वही सचिवों की मांग है कि शिक्षा कर्मियों की तरह ग्राम पंचायत सचिवों को नियमित किया जाए, साथ ही 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण करने की मांग भी की है। वही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से चक्रधर बंजारे, चंद्रभागा महंत, प्रेमलाल पटेल, नरहरी पटेल, छत्रपाल पटेल, दिलेश्वर पटेल, बिहारी लाल पटेल, आशा चंद्रा, मीना पटेल, गीतिका पटेल व सभी नवासी ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित रहे। सचिव संघ के अध्यक्ष तोमेश्वर चंद्रा ने कहा कि प्रदेश सचिव संघ लगातार कई सालों से सचिवों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं, मगर शासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि पंचायत में कार्यरत शिक्षा कर्मियों को नियमितीकरण किया गया है। इसी तरह पंचायत सचिवों को भी शासकीयकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि सचिव किस वर्ग के कर्मचारी है, इसकी भी जानकारी हमें नहीं है। सीताराम कर्ष पूर्व प्रांताध्यक्ष है, वर्तमान बिलासपुर संभाग अध्यक्ष है एवं जांजगीर जिला सचिव संघ संरक्षक। जी बताएंगे हड़ताल के बारे में। हमारे पंचायत सचिव संघ की एक सूत्री मांग है, 2 वर्ष परीक्षा अवधि समाप्त होते ही हम लोगों को शासकीकरण करते हुए शासन की जो सारी सुविधाएं हमको प्राप्त होनी चाहिए। 30 तारीख को हमारे प्रांताध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय बिलाईगढ़ विधायक संसदीय सचिव चंद्रदेव राय जी के माध्यम से मुख्यमंत्री निवास मुलाकात ही तो गए थे, जहाँ सकारात्मक कोई पहल नहीं हुआ। पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में फंसा है या राज्य गवर्नमेंट में फंसा है, उससे अपने को क्या मतलब है? हमारी मांगों से मतलब है। आप पैसा कहाँ से ला के देंगे, हम उसको पूछे थोड़ी जा रहे हैं। आगे किस तरह से और आंदोलन किया जाएगा? हमारी आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अगर इस हफ्ते या सोमवार तक अगर कोई सार्थक पहल नहीं निकलती है तो अगला हमारा कार्यक्रम है क्रमिक भूख हड़ताल। हड़तालें कारण ग्रामीण कार्यों में अभी रोक लग रही है, इसके भी जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? हम प्रशासन को मानते हैं, शासन प्रशासन को मानते हैं। जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ जिला जांजगीर चांपा। जी हड़ताल के बारे में थोड़ा बताएंगे क्या है? जी हमारा हड़ताल 26/12/2020 से हम शुरू किए हैं। हम ये है मतलब काम बंद कलम बंद हड़ताल, हमारा एक ही मांग है, दो परीक्षा अवधि 2 वर्ष पूर्ण पश्चात समस्त सचिवों को शासकीयकरण किया। कब तक चलेगा ये हड़ताल? जब तक सरकार हमारी मांगों पे सकारात्मक जवाब नहीं देती है और हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलता, तब तक हमारा हड़ताल। अभी तक ऊपर से क्या कुछ रिस्पॉन्स आया? 30 तारीख को हमारे डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक बिलाईगढ़ चंद्रदेव राय जी के सौजन्य से। उनके द्वारा कहा गया है कि हमारा 600 करोड़ की राशि जो केंद्र से हमें दिया जाना है वो पेंडिंग है, जैसे वो राशि हमें प्राप्त होगी हम आपकी मांग को तत्काल पूर्ण करेंगे। लेकिन हमारे द्वारा उनसे यही बातें सम्मेलन के माध्यम से कहने तो समय तारीख मांगा गया है, जो हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, और जब तक हमें ऐसा कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक हमारा हड़ताल अनवरत जारी रहेगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ जिला जांजगीर चांपा का जिला अध्यक्ष, संबंध में यहाँ पर धरना? जी हम लोग अभी 30/12/2020 से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी दो ही मांग है, वेतनमान नियमितीकरण एवं सचिव पद पर संविलियन। तो
कैसे सहयोग मिल रहा है आपके कार्यकर्ताओं से भी सचिव कार्यकर्ताओं से हमारे सचिव भाइयों से बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर हम लोग को सहयोग मिल रहा है साथ में बैठे पंडाल पर एक साथ हर साल से बैठे कहाँ कहाँ जांजगीर चांपा में पूरे हमारे 9 ब्लॉक में ब्लॉक स्तर पर बैठे हुए हैं सभी ठीक ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद Banquets lie hai. Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.